हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं बजट 2022-23 के बुक आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल है। नीचे स्क्रीन पर आगे वीडियो में आपको नीचे स्क्रीन पर जिलों के नाम, बुक डिपो के नाम और उस बुक डिपो का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस बुक को हमारे सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको फ्री होम डिलीवरी के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ हमारे सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का स्पेशल ऑनलाइन बैच जो कि 15 मई से शुरू होने वाला है, इस बैच का भी रजिस्ट्रेशन आप हमारे सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में करवा सकते हैं। बैच शुरू होगा आपके 15 मई से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट वाला जो बुक है उसमें कुछ करेक्शन है। वैसे तो ये करेक्शन मैं आपको अध्याय 2 जनगणना वाले टॉपिक में करा चुका हूं। हर बार स्क्रीन पर इसे दिखाए जाने का हमारा उद्देश्य ये है ताकि हर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी गलती ना हो। ठीक है, बुक में जो है कुछ जगह पे मिसप्रिंट हो जाते हैं। लगभग जो है 114 पेज का आपका इकोनॉमिक सर्वे है, उसे टाइप करने के दौरान कहीं एक दो मिसप्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर में कौन से पेज में कौन सा करेक्शन है उसे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है आपके इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला टॉपिक। ठीक है, मूल्य वाले टॉपिक से उतना क्वेश्चन नहीं आता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हम मेन फोकस करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, इस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पहले यहां पे थ्योरी क्या लिखा है उस थ्योरी को पहले समझ लीजिए। देखिए, प्रदेश में गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। यानी कि अपने देश, अपने जो है आपके प्रदेश के नागरिकों को, छत्तीसगढ़ जो है अपने प्रदेश के नागरिकों को भोजन, ठीक है, भोजन का जो आपका अधिकार है, भोजन का अधिकार देने वाला या खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपके वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ आपका 2013 को, एक साल बाद। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? वर्ष 2012, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर, भारत के पूरे अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ आपके 2013 को। अगर डेट याद रखना है, डेट भी याद रख सकते हैं, ये आपका फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में ये डेट पूछा गया था। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 में ये डेट आया था, क्योंकि उसका फूड इंस्पेक्टर का जो आपका सिलेबस है उसमें सेपरेट आपके खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, 5 जुलाई 2013 को अखिल भारतीय स्तर पर यह लागू हुआ था। ठीक है, तो अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने के पूर्व हमारा छत्तीसगढ़ जो है प्रदेश के नागरिकों को भोजन का अधिकार यानी कि खाद्य सुरक्षा कानून प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहां पर वही आपका वन लाइनर बताया गया है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ये हमारे प्रदेश में कब लागू हुआ था? वर्ष 2012 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस ईयर को। हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश के नागरिकों को भोजन का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, भारत में यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ एक साल बाद, वर्ष 2013 को। ठीक है, देखिए, इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम या खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश सरकार उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को राशन सामग्री मुहैया कराती है। ठीक है, उचित मूल्य दुकान का मतलब यानी कि उचित कीमतों पर, रियायती दरों पर, ठीक है, कम से कम कीमतों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रदेश सरकार नागरिकों को राशन सामग्री मुहैया कराती है। ठीक है, देखिए, नवंबर 2021 तक के स्थिति में, नवंबर 2021 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों की संख्या है आपका 13,244। ठीक है, नवंबर 2021 तक की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है? 13,244। ठीक है, 13,244, जिसमें से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है। 13,244 में से 11,709 उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि मात्र 1535 दुकानें आपके शहरी क्षेत्र में हैं।
ठीक है, देखिए अभी जो है यहां पे क्या लिखा है कि उचित मूल्य की दुकानों की जो सर्वाधिक संख्या ये कहां है, राजनांदगांव जिले में, और सबसे न्यूनतम कहां पर है, नारायणपुर जिले में, क्योंकि राजनांदगांव जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है और नारायणपुर जो है ये दुर्गम क्षेत्र है, तो यहां पे उचित मूल्य की दुकानें भी कम है। अगर देखिए अगर किसी स्थान पर दुकानों की संख्या ज्यादा है और किसी जिले में दुकानों की संख्या कम है तो उसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा समझते हुए चलिए। राजनांदगांव क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा जिला है और आपका नारायणपुर छोटा होने के साथ साथ वो दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, अबूझमाड़ का जंगल क्षेत्र है, इसलिए वहां पे उचित मूल्य की दुकानें भी कम है। अब यहां ये मत बोलना कि सर 33 जिला बन चुका है तो 33 जिले के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा जिला छोटा जिला ये सब चेंज हो चुका है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे आपका पहले पब्लिश हो चुका है, इकोनॉमिक सर्वे में अभी भी 28 जिलों के ही आंकड़े दिए हैं, जो आपका जो चार जिला बना था, ठीक है, वो चार जिला और अभी आपका जो नया जिला बना यानी कि 33वां जिला, ये इस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डाटा है ये 28 जिलों के आधार पर है, ठीक है, लास्ट आपके गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को ये लेते हुए चल रहा है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसे। इसमें से ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 2021 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी थी, ये थी आपकी 13,244, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो टेबल है ये पहली बार आपका इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, वैसे प्री के दृष्टिकोण से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में ये आपके आंसर को थोड़ा अलग से हाईलाइट कर सकता है। देखिए प्रदेश में जो उचित मूल्य दुकानों की संख्या है वो है 13,244, जिसमें से आपका 4,579 दुकानें जो है उचित मूल्य की वो चलाई जाती है सहकारी समितियों के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा 4,131, महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है 4,408, वन सुरक्षा समितियों के द्वारा 112 और नगरीय निकायों में जो है आपके 14, नगरीय निकायों के अंतर्गत 14 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है क्योंकि अब जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हर डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या कितनी है, 13,244, जिसमें से सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में है, कम कहां पर है, शहरी क्षेत्रों में, सहकारी समितियों के द्वारा सर्वाधिक आपके उचित मूल्य की दुकानें संचालित है, ठीक। अब देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में भी आया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है ये ऑनलाइन व्यवस्था किस वर्ष से प्रारंभ हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वर्ष 2007 से कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था, ठीक है, कंप्यूटरीकरण यानी कि जो आपका पीडीएस प्रणाली है उसे उसका जो कार्य प्रणाली है वो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाना इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 में। देखिए कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालनालय के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन वर्ष 2008 से किया गया, ठीक है। देखिए ये जो है खाद्य संचालन के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को जो आवंटन प्रारंभ हुआ वो हुआ वर्ष 2008 से, जबकि कंप्यूटरीकरण से जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2007 से। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर लगाना, बाकी ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है ऑनलाइन व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई, वर्ष 2007, ठीक। अब देखिए एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत उचित मूल्य दुकानों की संख्या कितनी है, 13,244, यानी कि प्रदेश में जितनी भी उचित मूल्य की दुकानें हैं वे सभी के सभी एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से संचालित हो रही है, ठीक है। अगर आप उचित मूल्य की दुकानों में राशन लेने जाएंगे तो उनके पास आज के डेट में टैबलेट होता है, एंड्रॉइड वाला टैबलेट, जिसमें आपके जो परिवार के जितने भी परिवार के नाम उसमें जुड़े हुए रहते हैं उसमें से कोई भी एक फैमिली मेंबर जा करके वहां पर अपना फिंगरप्रिंट लगा करके, ठीक है, फिंगरप्रिंट मशीन होता है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से वहां से राशन ले सकता है, ठीक है। तो हमारे प्रदेश में जितनी भी उचित मूल्य की दुकानें हैं 13,244 दुकानें, वो सभी के सभी एंड्रॉइड आधारित टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटरीकृत है, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में। नेक्स्ट देखिए राशन कार्ड, हमारे प्रदेश में प्रचलित राशन कार्डों की संख्या, देखिए यह भी आपके नवंबर 2021 तक की स्थिति में है। हमारे प्रदेश में राशन कार्ड धारियों की संख्या है 68,92,617 परिवार, यानी कि हमारे प्रदेश में लगभग 68 लाख राशन कार्ड प्रचलन में है, ठीक है। देखिए प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या कितनी है, 68,92,617 नवंबर 2021 तक की स्थिति में, ठीक है। प्रदेश की आबादी कितनी है, 2,55,00,000 2011 की जनगणना के अनुसार नवंबर 2021 तक की स्थिति में। यहां आबादी नहीं बता रहा ना, ध्यान दीजिएगा, यहां परिवारों की संख्या बता रहा है, एक परिवार का एक राशन कार्ड होता है, ठीक है। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या बोल रहा है कितनी है, 68,92,617, ठीक। देखिए
हमारे प्रदेश में जो सर्वाधिक राशन कार्ड धारी जो परिवार है वो मौजूद है आपके रायपुर में, ठीक है। कहां मौजूद है? रायपुर जिले में स्थित है। अब देखिए यहां पर राशन कार्ड के प्रकार दिया गया है, राशन कार्ड का रंग, राशन कार्ड की संख्या और किस जिले में यह पर्टिकुलर राशन कार्ड सर्वाधिक प्रचलित है, वो जिलों का नाम यहां दिया गया है। देखिए ध्यान समझिएगा, प्राथमिकता पहले तो राशन कार्ड की संख्या देख लीजिए, कौन कौन से राशन कार्ड प्रचलन में है हमारे प्रदेश, पहले वो समझ लीजिए। प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, अंत्योदय परिवार राशन कार्ड, एकल निराश्रित राशन कार्ड, निशक्त जन यानी कि हैंडीकैप निशक्त जन राशन कार्ड और सामान्य परिवार यानी कि APL राशन कार्ड, ठीक है। इतने राशन कार्ड हमारे प्रदेश में प्रचलन में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और राशन कार्ड है जिसका नाम है अन्नपूर्णा राशन कार्ड। अन्नपूर्णा राशन कार्ड जो कि पिछले कई सालों से इकोनॉमिक सर्वे में अन्नपूर्णा राशन कार्ड के बारे में उल्लेख रहता था, लेकिन इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में अन्नपूर्णा राशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे मैंने अपने इकोनॉमिक सर्वे के बुक में भी इसको मेंशन करके रखा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डाटा इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस साल जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण पब्लिश हुआ है उसमें अन्नपूर्णा राशन कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए इसका जो रंगों से आधारित जो प्रश्न है, डायरेक्ट इंडिविजुअल वन लाइन क्वेश्चन ही पूछ सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग में आता है। एक साइड आपको राशन कार्ड का नाम दे देगा, दूसरे साइड आपके उसके राशन कार्डों का रंग पूछ देगा, उसको सुमेलित कीजिए पूछेगा, ठीक है। तो देखिए जो प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड है उसका रंग रहता है लाल, अंत्योदय परिवार का है रहता है पीला, एकल निराश्रित का स्लेटी यानी कि ग्रे कलर में, निशक्त जन का काला और APL यानी कि सामान्य राशन कार्ड रहता है आपके सफेद रंग का, ठीक है। तो ये राशन कार्डों के रंगों को थोड़ा याद रखिएगा। एक अन्नपूर्णा भी राशन कार्ड था पिछले साल तक के इकोनॉमिक सर्वे में जिसका रंग रहता है आपका नीला राशन कार्ड, ठीक। अब देखिए हमारे प्रदेश में इन सभी प्रचलित राशन कार्डों में से सर्वाधिक प्रचलन में जो आपका राशन कार्ड है वो है प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड, जिसकी संख्या है 44,49,388, ठीक है। जबकि अंत्योदय परिवार राशन कार्ड की संख्या है 14,17,934, एकल निराश्रित की संख्या है 38,617, निशक्त जन राशन कार्डों की संख्या है 11,268, जबकि सामान्य परिवार राशन कार्डों की संख्या 9,75,410। अगर पूरे को टोटल करेंगे तो यह होता है आपका 68,92,617 राशन कार्ड। इतने राशन कार्ड हमारे प्रदेश में प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक। प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड सर्वाधिक आपके रायपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के जो आपके 28 जिले हैं उसमें से सर्वाधिक आपके प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारी रायपुर जिले में स्थित है, ठीक है। इनकी आबादी यानी कि रायपुर जिले में सर्वाधिक है। अंत्योदय परिवार राशन कार्डधारी जो परिवार है उनकी आबादी रायगढ़ जिले में सर्वाधिक है। एकल निराश्रित राशन कार्डधारियों की जो संख्या सर्वाधिक वो है आपके जांजगीर चांपा जिले में। निशक्त जन जो राशन कार्ड है उनका सर्वाधिक आपका प्रचलन दुर्ग जिले में है और सामान्य परिवार राशन कार्डधारी सर्वाधिक आपके दुर्ग जिले में है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल ये सभी राशन कार्ड को मिला दे तो प्रदेश में सर्वाधिक राशन कार्डधारी परिवार आपके रायपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे आंकड़े आपको याद रखना है, स्पेशली राशन कार्ड के प्रकार और उनका रंग, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न की पात्रता एवं दरें। अब कौन कौन से राशन कार्ड के अंतर्गत कितना कितना राशन किन किन कीमतों पर उपलब्ध कराती है प्रदेश सरकार, ठीक है। जो आपका अंत्योदय राशन कार्ड है, इस अंत्योदय राशन कार्ड के अंतर्गत जो आपका चावल है वो मिलता है 35 किलो, 1 रुपए प्रति किलो की दर से। चना मिलता है 2 किलो, 5 रुपए प्रति किलो की दर से। और आपका नमक मिलता है अनुसूचित क्षेत्रों में, 2 किलो यानी कि 2 पैकेट, 1 किलो का 1 पैकेट रहता है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो का 1 पैकेट मिलता है जो कि रहता है मुफ्त यानी कि निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देखिए ये यहां चना के आगे स्टार लगा हुआ है, इसके आगे हम देखेंगे चना से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक। तो अंत्योदय परिवार राशन कार्ड में चावल कितना मिलता है, 35 किलो चावल मिलता है प्रति राशन कार्ड, ठीक। चना 2 किलो, नमक मिलता है अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो का 1 पैकेट निशुल्क। चना का मूल्य कितना है, 5 रुपए प्रति किलो। जबकि प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड धारी जो है, यानी कि प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड में चावल, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो आपका प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड धारी है उसमें अगर सदस्यों की संख्या 1 है तो उसे मिलेगा 10 किलो चावल।
अगर सदस्यों की संख्या यहां पर दो है तो उसे मिलेगा 20 किलो चावल, सदस्यों की संख्या अगर तीन से पांच है तो उसे मिलेगा 35 किलो चावल, अगर एक इस राशन कार्ड में पांच से अधिक लोगों का नाम जुड़ा हुआ है तो 35 किलो चावल तो मिलेगा ही, क्योंकि 305 है 35 किलो चावल मिल रहा है, 35 किलो चावल तो मिलेगा ही। और पांच के बाद अगर एक्स्ट्रा सदस्य है, मान लीजिए 6 या 7 सदस्य है, तो प्रति सदस्य 7 किलो चावल अलग से मिलेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक परिवार में कितने हैं, एक परिवार में आपके 35 लोग हैं, सॉरी एक परिवार में जो है आपके टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल सदस्य है आपके 7, तो 5 किलो जो है, 5 सदस्य तक का जो है आपका 35 किलो तो मिलता ही है। ठीक है, 5 सदस्य तक का कितना मिलता है, 35 किलो, और अगर 2 सदस्य एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसका कितना मिलेगा, 14 किलो अलग से मिलेगा, यानी कि टोटल मिलेगा आपका 49। ठीक है, टोटल मिलेगा आपका 49 किलो, ये एक बताने के लिए कितना मूल्य कितना है इसका, ₹1 प्रति किलो की दर से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चना, यहां पर जो आपका चना जो है 2 किलो इस राशन कार्ड में, प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड में चना मिलता है 2 किलो ₹5 प्रति किलो की दर से, और नमक जो है अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो का पैकेट मिलता है आपके निशुल्क। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निराश्रित, जो आपका निराश्रित राशन कार्ड है इसमें केवल चावल मिलता है, चावल मिलता है वो भी आपका 10 किलो निशुल्क। ठीक है, चावल मिलता है 10 किलो निशुल्क, और जो निशक्तजन है, निशक्तजन का जो आपका राशन कार्ड बना हुआ है उसमें भी केवल चावल मिलता है वो भी 10 किलो निशुल्क। तो निराश्रित और निशक्तजन दोनों का सेम है, सामान्य यानी कि APL जो राशन कार्डधारी परिवार है उसमें चावल एक सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य है तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ₹1 प्रति किलो। ठीक, बहुत से स्टूडेंट लोग का आया मेरे पास मैसेज कि सर जो है आपका इस आर्थिक सर्वेक्षण वाले बुक में यहां पर करेक्शन है क्या, जी नहीं, करेक्शन कुछ नहीं है। देखिए, वास्तविक तौर पर अगर हम बात करें, जमीनी स्तर पर बात करें, तो जो APL परिवार जो है, APL जो राशन कार्डधारी है, उन्हें चावल मिलता है ₹10 प्रति किलो की दर से। ठीक है, ₹10 प्रति किलो की दर से उन्हें चावल मिलता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक है उसमें अलग से टेबल बना हुआ है, उस टेबल में लिखा ही हुआ है ₹1 प्रति किलो। तो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है, उसी में अगर 1 किलो लिखा है तो इस डाटा से हम छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर बात किया जाए तो APL परिवार जो राशन कार्डधारी है उन्हें जो है ₹10 प्रति किलो की दर से चावल मिलता है। ठीक है, अब देखिए, जो चने के आगे जो स्टार लगा था, तो चने की पात्रता क्या है, चना जो है ये केवल अनुसूचित और माडा क्षेत्रों के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार राशन कार्डधारियों को मिलता है। ठीक है, जो चावल जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों में तो मिलेगा, ठीक है, अनुसूचित और माडा क्षेत्रों में मिलेगा, अनुसूचित और माडा क्षेत्रों के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड पर ही बस मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कथन आधारित अगर प्रश्न बनता है तो ये जो है स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर एक भी स्टेटमेंट इधर उधर हुआ तो सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चन बिगड़ जाएंगे। ठीक है, शक्कर की जो पात्रता है, हमारे प्रदेश में शक्कर ही मिलता है, लेकिन शक्कर केवल अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड पर ही बस मिलता है, वो भी आपका 1 किलो प्रति माह शक्कर मिलता है, 1 किलो प्रति माह, वो भी ₹17 प्रति किलो की दर से। गुड़ मिलता है, गुड़ मिलता है पूरे के पूरे बस्तर संभाग में। ठीक है, बस्तर संभाग में शक्कर का उतना प्रचलन नहीं है जितना गुड़ का प्रचलन है, बस्तर संभाग में गुड़ जो है आपका वितरित किया जाता है सभी राशन कार्डों पर, जितनी भी राशन कार्ड है उन सभी राशन कार्डों पर बस्तर संभाग में गुड़ वितरित किया जाता है, जिसकी मात्रा रहती है 2 किलो प्रति माह ₹17 प्रति किलो की दर से, जबकि केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल केवल अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार राशन कार्ड धारियों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इतने डाटा को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हमारे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, यानी कि किसान को उसके कृषि उपज का कम से कम इतना मूल्य मिलना ही चाहिए, यह होता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम आपका सपोर्ट प्राइस। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, यानी कि भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कृषि उपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर जारी किया जाता है पूछा जाए तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा जारी किया जाता है पूछा जाए तो भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों प्रश्न अलग अलग है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है ध्यान देना, सिफारिश पूछ रहा है कि जारीकर्ता पूछ रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आपके टोटल 23 कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है, ठीक है। टोटल 23 कृषि उत्पादों का जो है आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है, जिसमें से 7 प्रकार के अनाज है, 5 प्रकार की दलहन फसलें हैं यानी कि दाल वाली फसलें, 7 प्रकार की तिलहन फसलें यानी कि ऐसे फसलें जिससे तेल निकाला जाता है, और 4 प्रकार की आपकी व्यापारिक फसलें हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। और इसका एक टेबल आपके इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में आपका खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके इकोनॉमिक सर्वे में टेबल बना करके दे दिया गया है। करंट अफेयर के बुक में भी टेबल बना करके दिया गया है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी अगर आप सर्च में जाकर सीजीपीएससी ई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाकर के एमएसपी टाइप करेंगे तो आपको पूरा का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य, चाहे आपका धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, वो सारा लिस्ट याद कर लीजिएगा। यहां पे बताना वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। एक लिस्ट है, उस लिस्ट को याद कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड है, बाकी पुस्तकों में तो मेंशन किया ही गया है, ठीक। अब देखिए, धान एवं मक्का खरीदी 2021-22, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। देखिए, हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी है वो किया जाता है आपके मार्केफेड के द्वारा, जबकि मक्का की खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना, ठीक है। प्रदेश में धान की खरीदी किस संस्था के द्वारा की जाती है, मार्केफेड, और मक्का की खरीदी मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक। इस वर्ष यानी कि आपका जो पिछला वित्तीय वर्ष गया 2021-22, इसमें जो धान की खरीदी है वो चला आपका 21 दिसंबर 2021 से लेकर के, सॉरी 1 दिसंबर यहां 21 बोल दिया, 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 7 फरवरी 2022 तक धान की खरीदी चली हमारे प्रदेश में, ठीक है। धान का जो सामान्य धान था उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था वो था आपका 1940 रुपए, जबकि ग्रेड ए धान का था 1960 रुपए। प्रदेश सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करती है, ठीक है। तो ये जो है आपका केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, धान खरीदी इसी पर किया जाता है, लेकिन बाद में प्रदेश सरकार जो है जो अतिरिक्त राशि है 2500 रुपए पूरा करने की, वह अतिरिक्त राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक। इसकी भी जो है आपके अधिकतम सीमा है, यानी कि एक किसान एक एकड़ खेत से मैक्सिमम 15 क्विंटल धान ही बेच सकता है। इस वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो है आपके प्रदेश सरकार के द्वारा टोटल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, ठीक है। मक्का खरीदी की बात करें तो हमारे प्रदेश में जो मक्का की खरीदी है वो 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 मई 2022 तक निर्धारित है। मक्का का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है आपका 1870 रुपए। एक किसान जो है प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का बेच सकता है, ठीक है। अभी इसका जो डाटा आने को है, ध्यान दीजिएगा, राज्य में इस पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल 2484 धान केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे ईयर दे देगा, इस ईयर में कितने धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से आपका धान की खरीदी की गई, तो कितना है 2484। प्रदेश में कुल इस धान को बेचने के लिए टोटल आपके 22.66 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराया था, जिसमें से 21.77 लाख किसानों ने अपना धान प्रदेश सरकार को बेचा, ठीक। राज्य सरकार द्वारा बारदाने के लिए 25 रुपए का किसानों को भुगतान भी किया गया। बारदाना का मतलब क्या होता है, जो धान को जिस बैग में भरे जाता है, जिस बोरा में भरे जाता है, उसे कहा जाता है आपका बारदाना। पहले इसका मूल्य था आपका 18 रुपए। इस साल जो है काफी न्यूज में भी रहा कि बारदाने की कमी हो गई थी, यानी कि जो धान को जिस बोरे में भरा जाता है, जिस बैग में भरा जाता है, उसकी कमी हो गई थी, तो प्रदेश सरकार ने जो है आपका इस बार देने की भी कीमत 20 रुपए कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण, ठीक। अभी इससे पहले हमने पीडीएस प्रणाली की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था देखी थी, ये धान खरीदी का है, ये भी ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रदेश में खरीफ वर्ष 2007-08 से, खरीफ वर्ष 2007-08 से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत कर दी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2020-21, ठीक है, ये 2021 के आंकड़े, पिछला आंकड़ा था आपका 2021-22 का, ठीक है। ये जो हमने आंकड़ा पढ़ा था, ये आंकड़ा किसका है, ये आंकड़ा है आपका 2021-22 का, यहां पर बताया गया 2020-21 जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है।
2020-21 में जो कंप्यूटरीकृत जो धान की जो खरीदी की जाती प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें पंजीकृत किसानों की संख्या थी 21.48 लाख किसान। उद्देश्य क्या है इस धान की खरीदी को कंप्यूटरीकृत करने का? धान खरीदी में पारदर्शिता लाना और किसानों को सीधे उनके खातों में भुगतान करना, यानी कि जो बीच में जो मीडिएटर रहते हैं, जो मध्यस्थ रहते हैं, जो किसानों से कम कीमत पर धान खरीद करके अधिक कीमत पर बड़े व्यापारी को बेचते हैं, उसे बीच में से उन मीडिएटरों को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एकीकृत पोर्टल पर किया जा रहा है। ठीक है, यह है आपका धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण। चावल उत्सव, यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रदेश में आपके फरवरी 2008 से चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? राशन सामग्री की निगरानी तथा निर्धारित तिथि पर राशन का वितरण करना। देखिए, इसका जो आयोजन किया जाता है, गांव में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में प्रति माह, ठीक है, जो गांव में जो उचित मूल्य की दुकानें जो संचालित है, उसमें प्रति माह 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार में। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के गांव देहात की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जितने भी आपके गांव होते हैं, ठीक है, वहां पर हर सप्ताह में एक दिन बाजार का आयोजन होता है। तो जिस दिन बाजार रहता है, उसी दिन वहीं पर बाजार के समीप ही उचित मूल्य की दुकानें रहती है, तो उस उचित मूल्य की दुकानों में जाकर के वहां से आपके राशन सामग्री खरीद सकते हैं। तो 6 तारीख के बाद लगने वाले कोई भी पहला आपका हाट बाजार होगा, वहां पर चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जबकि जो शेष गांव है, जिन गांवों पर आपके बाजार नहीं लगते, वहां पे उचित मूल्य की दुकानों में माह में 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को आपके चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसको याद रखिएगा इस ईयर को, कि प्रदेश में चावल उत्सव किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ किया गया, फरवरी 2008 से। ठीक, पीडीएस प्रणाली कॉल सेंटर, ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया, लेकिन याद रखिएगा जो पीडीएस प्रणाली में कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया आपके वर्ष जनवरी 2008 से, ठीक है, पीडीएस प्रणाली पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए इस टोल फ्री नंबर को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी नागरिक पीडीएस तथा खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले सकता है और अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकता है। यानी कि पीडीएस प्रणाली में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है, उचित मूल्य की दुकान में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसका शिकायत भी दर्ज कराया जा सकता है। ठीक, खाद्य सामग्री आवंटन 2021-22 सर्वाधिक से न्यूनतम, अगर हम बात करें कि आपके उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, शक्कर भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपके वर्ष 2021-22 में इस उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सर्वाधिक चावल का वितरण हुआ। सेकेंड नंबर पर है नमक, उसके बाद है शक्कर और उसके बाद है आपका चना। ठीक है, लगभग 21.94 लाख चावल का वितरण हुआ है। ठीक, नमक का जो वितरण है वो 67.13 हजार है। ठीक है, ये हजार है। शक्कर का वितरण 46.37 हजार और चने का वितरण है 41.65 हजार। ठीक, अब देखिए नोट, चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवार को है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली। अब सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली है क्या, इसे समझिएगा। जो आपका प्रदेश में वर्ष 2012 को जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, उसमें आपका अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, निराश्रित, एकल निराश्रित, निशक्तजन, अन्नपूर्णा, ये सारे राशन कार्डधारी जो है आपके प्रचलन में थे। लेकिन जो गरीबी रेखा, देखिए एक होते हैं बीपीएल यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोग, और दूसरे होते हैं अबव द पॉवर्टी लाइन एपीएल यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन व्यापन करने वाले लोग। लेकिन देखिए अबाउ द पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहा था, उसके आर्थिक स्थिति में अभी हाल ही में सुधार हुआ है, वो गरीबी रेखा से ऊपर तो उठ चुका है, गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुका है, लेकिन इतना भी सक्षम नहीं हुआ है कि वो जो है उसे पूरी तरीके से आपका आर्थिक रूप से सक्षम समझा जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि ये है आपका पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे जितने भी लोग होंगे उन्हें बीपीएल परिवार कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं लाती है बिलो द पॉवर्टी लाइन। और एक होता है आपका अबव द पॉवर्टी लाइन यानी कि एपीएल परिवार, ठीक है, सामान्य परिवार। तो बहुत से ऐसे परिवार है जो जस्ट आपके बीपीएल से आपका ये पॉवर्टी लाइन को क्रॉस किए हैं, लेकिन ये इतने भी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे कि आर्थिक रूप से सक्षम हो सके, यानी कि जस्ट इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं, अभी ही कुछ ही समय हुआ इन्हें आर्थिक रूप से सक्षम हुए। तो ऐसे लोगों को
आपका उचित मूल्य की दुकानों से राशन मुहैया कराया जाता है। वैसे तो प्रदेश में लगभग आज के समय में सभी सामान्य परिवारों के लिए जो है राशन कार्ड जारी कर दिया गया है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली, उसका यही था रीजन। देखिए, पहला तो इसका ईयर पूछता है कि सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली किस वर्ष किस तिथि को लागू किया गया। महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लागू किया गया, ठीक है। ये जो है आपके सामान्य राशन कार्ड, इसमें सामान्य राशन कार्ड जारी किया जाता है, इसमें सामान्य परिवार जो कि आयकर दाता है, शुरू में तो आपके ये इस कॉन्सेप्ट से लाया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, इसमें जो आपके जो इनकम टैक्स जो देते हैं और जो इनकम टैक्स नहीं भी देते, आयकर दाता और गैर आयकर दाता सभी के लिए जारी किया जाता है। सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है प्रदेश की, ठीक। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई, सामान्य परिवारों को खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई। इस आपके सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के माध्यम से सार्वभौमिक पीडीएस के अंतर्गत राज्य की जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। इसे मेन आपको ये ईयर याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब किस तिथि को लागू हुआ, 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो ये था आपका अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का स्पेशल बैच 15 मई से शुरू हो रहा है, जिसे भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो CGPSC ई पाठशाला का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए।